वो जमाना भी क्या जमाना था, जब हम दुकान जाते थे, शर्ट ट्राई करते थे और फुली सेटिस्फाई होकर फिर खरीदते थे। तो फिर अब इस ऑनलाइन के जमाने में बहुत संभल के चलना पड़ता है। क्यों, क्या हुआ? अब क्या बताऊं, कुछ दिन पहले देयर वॉज एन ऑनलाइन सेल और मैंने वहां पर एक शर्ट पसंद करी। बहुत अच्छी शर्ट थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी और जब वो डिलीवर हुई तो उसका बॉक्स भी बहुत अच्छा था, बट जब उसको मैंने अनपैक किया तो जो एक्चुअल इमेज थी ऑनलाइन और जो सामने आया उसमें बहुत ही अंतर था। शर्ट की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी और ये देखकर मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ। ये तो होना ही था, जैसा बाहर दिखाई दे वैसा अंदर ना हो तो डिसअपॉइंटमेंट होती ही है। आई टोटली एग्री। तो क्यों ना आज इसी विषय पर बात की जाए। क्या, मेरी शर्ट के बारे में? नहीं। अच्छा, तो प्रोडक्ट और पैकेजिंग के बारे में? नहीं। तो ठीक है, फिर आप ही बताइए। इसी फर्क के बारे में जो अक्सर हमें रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, करते हैं इसी विषय पे चर्चा। तो वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में हम हैं आपके होस्ट, मैं कामना और मैं समदर्श। नमस्कार। धन निरंकार। समदर्श जी, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि हम खुद को अच्छा दिखाने की होड़ में एक और बाहरी रूप से सर्वगुण संपन्न दिखने की कोशिश करते हैं और दूसरी ओर भीतर कुछ और ही चल रहा होता है। बिल्कुल, लेकिन वो जैसे एक गीत है ना, रंग ले आएंगे, रूप ले आएंगे, कागज के फूल खुशबू कहाँ से लाएंगे। सही कहा आपने, भक्ति की शुरुआत तो तभी होती है जब मन वचन कर्म में संतुलन के साथ हम अपने बाहरी और भीतरी भावों को भी संतुलित करते हैं। वाह, तो आइए सुनते हैं संपूर्ण अवतार बानी के इस पावन शब्द को जो हमें इसी भाव के साथ जोड़ता है। जाने से
ते सगल पदारथ पादाए कैणी बैणी रैणी विच जो समदर्श जी। हाँ जी। ये उन दिनों की बात है जब हम दिल्ली में नए नए शिफ्ट हुए। हमारे घर से एयरपोर्ट जाने के रास्ते में एक रोड ऐसा था, हाँ जी, जहाँ बिल्कुल ट्रैफिक नहीं होता था जी। और एक दिन जब मैं वहाँ से गुजर रही थी और उसी रोड पर ड्राइव करते हुए मुझे ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया कि आपने स्पीड लिमिट क्रॉस की है। ओह नो। और मेरा चालान हुआ। जब मैं चालान की राशि दे रही थी तो मैंने पुलिस अफसर से पूछा कि वहाँ रास्ते में कोई ट्रैफिक पुलिस का पहरा तो था नहीं जी, तो आपको कैसे मालूम कि मैंने स्पीड लिमिट क्रॉस की है जी। तो पुलिस ऑफिसर ने हंसकर जवाब दिया कि वहाँ पर हिडन सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और जिस सेकंड आप क्रॉस करते हैं मुझे मोबाइल पर पिक्चर आ जाती है आपके गाड़ी के नंबर के साथ जी। तो उस चालान के बाद चाहे रोड जितनी भी खाली हो मैं कभी स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं करती। मैं भी क्रॉस नहीं करता स्पीड जी। कामना जी जी, हिडन कैमरा की बात से एक शेर याद आ गया। इरशाद। मिट जाएगा गुनाहों का तसव्वुर इस जहां से, गर याद रहे कोई देख रहा है। वाह। तो ये निरंकार रूपी कैमरा सिर्फ बाहर ही नहीं मेरे अंदर को भी देखता है। अगर इस हिडन कैमरा का हर पल एहसास रहेगा तो मैं व्यवहार के साथ अपनी इंटेंशंस में भी प्योर रहूंगा। बिल्कुल सही संदर्श जी, मेरे मन रूपी भव सागर का एक एक भाव ये ईश्वर निरंकार देख रहा है जी, सुन रहा है जी। भी संपूर्ण अवतार वाणी के पवित्र शब्द में हमने सुना ना, हाँ जी, कि जानन हार प्रभु है जेड़ा, जाने सारे गैबानू, इस तो किवें लुका सकदा है बंदिया अपने ऐबानू। बिल्कुल कामना जी, एंड आई थिंक हमें इस विषय पर और महापुरुषों से डिस्कशन करनी चाहिए, which leads us to our next segment, panel discussion. जी समदर्श जी, और आज अपने अनुभव साझा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय गौरी दत्त शर्मा जी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट में टेक्निकल ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं। जहां इन्हें फिजिक्स विषय का अनुभव है वहीं दूसरी ओर गुरमत की भी ऊंचाइयां इन्हें प्राप्त हैं। आदरणीय गौरी दत्त जी, आपका वॉइस डिवाइन में बहुत बहुत स्वागत है। गौरीदत्त जी, आज हम बात कर रहे हैं अपने भीतर और बाहर के भावों में संतुलन की, तो आपका इस विषय पर क्या कहना है? सबसे पहले तो दास सभी अपने सुनने वालों का अभिवादन करता है, नमस्कार धन्यकार। और ये जो आज का टॉपिक है अंदर बाहर से एक होने का, तो दास तो इसको ये समझता है कि ये टॉपिक नहीं, ये एक जीवन का आधार है, ज्ञान का आधार है। ये एक ऐसी उच्च अवस्था है जिस अवस्था को प्राप्त करने के बाद शायद इंसान के जीवन में कुछ और पाना शेष नहीं रह जाता। हजूर सच्चे पातशाह सदगुरु माता जी हर पल हमें यही सिखा रहे हैं कि इस अवस्था से हम कैसे रूबरू हो जाएं, इस अवस्था को कैसे प्राप्त करें, क्योंकि इस अवस्था को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। ये तो जब सदगुरु के वचनों को हम अपने जीवन में धारण करते हैं, जो ये निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में बसने लगता है, तो धीरे धीरे फिर वो अवस्था जो अंदर के विकार हैं वो बाहर निकलने लगते हैं और जो नेक और एक वाली अवस्था है वो बन पाती है। इसमें जो मेन कारण दास को नज़र आता है कि क्योंकि हम माया में विचरण करते हैं, प्रकृति में विचरण करते हैं, और इस ज्ञान के साथ साथ हमें सबसे पहले गुरु ने ये प्रकृति की जानकारी दी, इस माया की जानकारी दी, क्योंकि इस माया के साथ हमारा जुड़ाव शुरू से ही रहा है जी, जिसके कारण हमारे मल्टीपल फेसेस हैं। तो जब तक ये मल्टीपल फेसेस दूर होकर एक फेस में नहीं आते जी, एक मिक वाली अवस्था में नहीं आते, तब तक वो अवस्था प्राप्त नहीं होती जिस अवस्था की आप कामना जी समदर्श जी बात कर रहे हैं जी, जी। क्योंकि इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जैसा कि हमारा निरंकारी मिशन का एक फिलॉसफी है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ जी। तो एक को जानना तो बहुत आसान है, राइट, लेकिन इसको मानना,
कि ये निरंकार है। जैसे ज्ञान से पहले हमें पता है कि ये संसार कण कण में निराकार परमात्मा है जी। लेकिन हम उसको निराकार कण कण में देख नहीं पा रहे थे, हम उसको सिर्फ एक कण देख रहे थे, कोई पार्टिकल देख रहे थे। सही। लेकिन जब गुरु का ज्ञान मिल जाता है तो वो कण कण हमें निरंकार का रूप नजर आने लगता है जी। ऐसे ही जैसे इसके लिए हमें एक ऐसी अवस्था बनाने की जरूरत पड़ती है, जैसे एक छोटा बच्चा है, बालक है 2 साल का जी। वो जब इस संसार में, इस धरा पर जब आता है, उसका जन्म होता है जी, तो उसका मन, उसका जो हृदय है वो निर्मल पावन, उसमें कोई विकार नहीं होती, कोई त्रुटियां नहीं होती, कोई द्वेष नहीं, कोई जलन नहीं, निर्मल पावन होता है जी। लेकिन जैसे जैसे वो संसार में रिश्ते नातों से जुड़ता चला जाता है, समाज के साथ जुड़ता चला जाता है, तो उसकी अवस्था भी वो चेंज होने लगती है जी। तो हमारी उम्र चाहे कोई भी हो जाए, 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल, तो जब तक हमारा मन, हमारा हृदय उस 2 साल के बच्चे की तरह पावन निर्मल नहीं होता, तब तक यह अवस्था प्राप्त नहीं होती। दूसरा, कामना जी, समदर्श जी, एक बार दास और कहना चाहेगा इसमें जी, कि बाहर से तो हम चुप रह सकते हैं, बाहर से हम बहुत बार चुप हो जाते हैं जी। बेशक किसी के भय के कारण, चाहे वो हमसे किसी भी रूप में स्ट्रांग है जी, पद में है, चाहे वो हमसे फिजिकल रूप में बहुत स्ट्रांग है जी, धन के रूप में स्ट्रांग है, तो हम उसके आगे कुछ बोल नहीं पाते। बट जो हमारा अंदर वाला है वो चुप नहीं रह पाता जी। वो कुछ न कुछ उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स रखता है जी। तो बाहर से तो हम बहुत शांत लग रहे हैं, उसके प्रति बहुत अच्छा दिख रहे हैं, लेकिन अंदर उसके प्रति हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं जी। तो फिर वो अवस्था, वो वाली अवस्था नहीं है जो सद्गुरु हमारे अंदर देखना चाहता है जी। जी। मैं अंदरों होर ना होवा ते बाहरों होर ना होवा। संतों, जब तक हम इस अडोल सत्ता से जुड़कर मर्यादित और स्थिर नहीं होते, एक और नेक, भीतर और बाहर से संतुलित होना संभव नहीं है जी। सफल जीवन वही माना जाता है क्योंकि हमने गुरु का ज्ञान लिया, सद्गुरु का। तो ज्ञान के बाद यदि ये अवस्था प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ये अवस्था सर्वोच्च अवस्था है जी, और इस अवस्था को पाने के बाद फिर हम उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं जिस मंजिल के लिए कहा गया है जी, कि ये मानव तन हमें प्राप्त हुआ है। इसको पाने का जो दास समझता है, जो दास ने संतों के चरणों से सीखा है, सद्गुरु की जो टीचिंग्स हैं हाँ जी, कि ये निराकार परमात्मा का बोध हमें सद्गुरु ने कराया, इस बोध के साथ जब हमारा नाता, एक संबंध, एक जो रिश्ता है, जो रिश्ता कायम नहीं होता निराकार परमात्मा के साथ जी, तो वो अवस्था नहीं बन पाती। और वो रिश्ता कायम करने का सद्गुरु ने हमें मार्ग भी बताया, क्योंकि सद्गुरु के वचनों को यदि जीवन में ढाल लिया जाए हाँ जी, तो ये अवस्था आसानी से प्राप्त हो जाती है। जैसे सेवा सिमरन सत्संग के रूप में हमें 3 बहुत सुंदर गहने दिए गए हैं जी, तो जो भी गुरसिक इन गहनों को अपने जीवन में धारण करता है, और इसमें सिमरन का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जी, हाँ जी। सिमरन का बहुत ज़्यादा इसमें प्रभाव है, क्योंकि सिमरन जब हम करते हैं तो हमारे अंदर के जो विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो धीरे धीरे करके दूर होने लगते हैं हाँ जी। तो जब वो दूर हो जाते हैं तो मन फिर पाक पावन निर्मल हो जाता है, और उसी जैसे कहा भी है, भोले भाव मिले रघुराई, तो जब अंदर भोला भाव हो जाता है हाँ जी, तभी ये परमात्मा निराकार उसमें बसता है जी। जी समदर जी, कामना जी, हाँ जी, दास इसमें कुछ थोड़ा सा और अपने भाव रखना चाहेगा जी, जी, बिल्कुल जी। एक्चुअली में ये जो आत्मिक रिश्ता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन का रिश्ता जी, ये सद्गुरु के जीवन में आए बगैर ये नहीं बन पाता जी। हम शारीरिक रिश्तों से जुड़ जाते हैं, संसार से जुड़ जाते हैं, और अक्सर हमने अपने जीवन में बहुत से अनुभव देखे हैं, दास ने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, कि हमारा व्यवहार हर जगह अलग अलग होता है जी। हम अगर अपने घर की बात करें, पत्नी के साथ हमारा कैसा व्यवहार है, बच्चे के साथ क्या व्यवहार है, और मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, अपने कुलीग के साथ किस रूप में व्यवहार मैं करता हूँ, और मेरे बॉस से अगर मेरी मुलाकात होती है तो वो किस तरह का व्यवहार होता है, तो ये हर पल चेंज होता है। तो लेकिन गुरमत जो हमें सिखाती है कि मैं अंदर बाहर से जब तक एक नहीं हूँ, तो ये व्यवहार भी चेंज होता रहेगा जी। और जैसे संत होते हैं,
संतों का हर पल एक ही उनकी सोच होती है, एक ही उनका भाव होता है और समाज में वो एक ही प्रकार का उनका व्यवहार होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस गुरमत के सांचे में हम ढल जाएं, क्योंकि सद्गुरु हमें वो एक फ्रेम देता है गुरमत का सांचा जी। तो वो सांचे में अगर हम ढल जाते हैं तो धीरे धीरे ये जो अंदर के विकार हैं ये भी दूर होते हैं और फिर ये जो अंदर बाहर वाली जो बातें हैं ये एक हो जाती हैं, एकमिक वाली अवस्था आ जाती है जी। बिल्कुल जी। आदरणीय गौरीदास जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस अवस्था पर, इस विषय पर हमसे बड़े सुंदर भाव साझा किए। सद्गुरु माता जी का लाख लाख शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद जी। हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी आज भी सतगुरु है। हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी आज भी सतगुरु है। हर मुश्किल दा समदास जी। जी। हर बार हर परिस्थिति में अंदर बाहर से सम होना भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। I agree। कई बार हम बाहर से सख्त दिखते हैं जी, लेकिन अंदर से हमारे भाव भले के होते हैं। जैसे बहुत बार बच्चों के साथ कड़ा व्यवहार करना पड़ता है जी, उन्हें अनुशासित करने के लिए कुछ कहना भी पड़ता है जी, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरे मन के भाव उनके प्रति सिर्फ प्यार और उनका अच्छा हो जाए के ही होते हैं। मैं समझता हूँ कामना जी, और इसका मतलब यह है कि भाव की बहुत अहमियत है जी। Intentions should be pure and pious। बिल्कुल। गुरसिक हर पल गुरसिक ही होता है। अब देखिए ना, मैं एक पिता हूँ, एक दोस्त भी हूँ और एक बिजनेसमैन भी हूँ जी। और जब मैं खुद को इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ तो यही भाव आता है कि वाइल डूइंग बिजनेस आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, माई फर्म, जो मेरे एम्प्लॉयज हैं, जो मेरे एंड कस्टमर हैं जी, जो मुझे बिजनेस दे रहे हैं, कैसे सबको साथ लेके चलना है, सबका ख्याल रखना है, किसी को हर्ट नहीं करना, ये एक भाव रखने का हमेशा प्रयास होता है जी। लेकिन कामना जी, कहीं ना कहीं यह भी महसूस हुआ कि इवन विद द बेस्ट इंटेंशंस द आउटकम मे नॉट ऑलवेज बी The same as I want। जी संदर्श जी, आपकी बात से जो मुझे समझ आ रहा है हाँ जी, कि एक गुरसिख को हमेशा अपने हर एक्शन को ब्रह्म ज्ञान के तराजू में जी, सतगुरु के वचन में तोलकर ही आगे बढ़ना है। बिल्कुल, I agree। तो आइए कामना जी, ऐसे ही प्योर इंटेंशंस एंड डीड्स का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन सुनते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट जब माना तब जाना में, जिसमें आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदरणीय कमल जुनेजा जी मिनियोपोलिस यूएसए से। धन्य रंकार जी, मैं एक ऐसा अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ
जो कहूँगा तो लगेगा चमत्कार है, पर गुरसिख जानता है कि सतगुरु की कृपा और उसकी रजा में रहना ही बड़ा चमत्कार है। बात कुछ ऐसी है, कुछ साल पहले जब दास की मदर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थे और दास उनके पास बैठा हुआ था और रात को उनसे बातें भी कर रहा था, अचानक उनके मन में एक सवाल आया जो उन्होंने दास से पूछा कि दो घर हैं और तुम तीन भाई हो, कैसे होगा आपस में वो प्यार कैसे बना रहेगा, अभी तो मैं हूँ आगे कैसे चलाओगे। और मैं इस सवाल के लिए तैयार भी नहीं था, पर जो गुरु की शिक्षा थी और जो सात संगत से सीखा था उस सब के कॉम्बिनेशन से दास का एक ही जवाब निकला कि कोई बात नहीं, दो घर हैं, दोनों भाइयों को दे देंगे, मैं अपने लिए नया घर बना लूँगा। और मम्मा ने उसी टाइम जो उठ भी नहीं पा रहे थे अपनी बाहों को खोला और मुझे कहा कि एक बार मेरे गले लग जा, और मैं उनके जब गले लगा तो वो आगे से मुझसे पूछते हैं मेरे कान में, फिर तू क्या करेगा। और दास ने हंसते हुए बोला कि सतगुरु सच्चे पातशाह का आशीर्वाद है ना। उस टाइम मम्मा को कह तो दिया और उस पर कोई डाउट भी नहीं था, ध्यान भी यही था कि दो घर हैं, दोनों भाइयों को दे देंगे, तीसरा बना लेंगे। बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये एक थॉट्स आने भी लग गए कि बोल तो दिया है, बनेगा कैसे, उतने रिसोर्सेज तो हैं नहीं। बट फिर उसी टाइम एक बुक में एक लाइन पड़ी थी जो उस टाइम याद आ गई, आई ट्रस्ट द नेक्स्ट चैप्टर बिकॉज आई नो द ऑथर। तो ऑथर यानी कि निरंकार सतगुरु पर विश्वास था, और कहीं ना कहीं ये भी तसल्ली थी कि माँ की खुशी का भी ध्यान रखा जा रहा है, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। यकीन मानिए हर काम अपने समय के अनुसार होता चला गया, घर भी बन गया, वो परिवार के साथ जुड़ाव प्यार एकता वो कायम भी रही, और निरंकार की एक अपनी स्पेशल प्लानिंग भी थी कि दास को जब नया घर दिया, दास वहाँ मूव हुआ और उसके एक साल बाद ही दास को USA ऑफिस के काम के लिए भेज दिया गया, और वो आशीर्वाद भी बहुत सारे साथ में हैं। और मैं एंड में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कोई भी मैटर हो, संसार का, परिवार का, व्यवहार का या पैसों का, अगर हम सतगुरु की इन शिक्षाओं को आगे रखते हैं देन एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। यही अरदास है कि जैसे इस पर्टिकुलर मैटर में आप जी की शिक्षा याद रही, लाइफ के हर पल में वो जो आपने टीचिंग दी हैं उसके मुताबिक जी पाए। धन्यवाद जी। ऐ बख्शन हारे सबनु सुख दी दात बख्श दे, ऐ बख्शन हारे सबनु सुख दी दात बख्श दे, सब हस दे वस दे रहन ऐसे हालात बख्श दे, सब हस दे वस दे रहन ऐसे हालात बख्श दे। साडे गीतां विच जज़्बात परोए होण तेरे, साडे नैणां दे विच ख्वाब सजोए होण तेरे, साडे गीतां विच जज़्बात परोए होण तेरे, साडे नैणां दे विच ख्वाब सजोए होण तेरे, साडी बोली नू अपने वर्गी गलबात बख्श दे, साडी बोली नू अपने वर्गी गलबात बख्श दे, सब हस दे वस दे रहन ऐसे हालात बख्श दे, सब हस दे वस दे रहन ऐसे हालात बख्श दे। संदर्श जी। हाँ जी। एक बार की बात है, एक व्यक्ति को बहुत भाषाएं आती थी जी, और उसका भाषा ज्ञान इतना अधिक था जी कि उस व्यक्ति की मातृभाषा क्या है ये कोई नहीं जान सकता था। एक अन्य विद्वान ने उसकी मातृभाषा जानने के लिए एक तरकीब सुझाई। अच्छा। कि जलती हुई मोमबत्ती का थोड़ा सा मोम उसके हाथ पर गिरा दिया और समदर्श जी जैसे ही वो
मोम उसके हाथ पर गिरा जी, तो उसके मुख से वही भाषा निकली जो उसके भीतर रची बसी थी। जी कामना जी, एंड आई कैन रिलेट टू दिस। मैं आपका भाव समझ गया। हमारे जीवन में सिचुएशन जब हमारे फेवर में होती है, हम अंदर बाहर से संतुलित रहते हैं, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति होती है तभी असली अवस्था का पता चलता है। जी समदर्श जी, और ये अभी हंसी मजाक का जो माहौल बना हुआ है जी, उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जो हास्य से ही जुड़ा है, रंगमंच से। हेलो, हाँ यस राहुल, या आई विल बी देयर विद इन 45 मिनट्स। ओके ओके, जस्ट मेक श्योर दैट ऑल द फॉर्मेलिटीज आर डन। ओके कूल। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग, स्कूल नहीं गया आज? आज तो संडे है। ओ हाँ, संडे संडे, राइट। आपका ऑफ नहीं है? नहीं, एक्चुअली कुछ जरूरी काम है तो बस जल्दी से खत्म करके आता हूँ फिर। ओके रज्जो, एक बार वो बैग देना मेरा, वो टेबल पे पड़ा है। इसे क्या हुआ? सुबह से रो रही है। क्यों? सास मर गई ना। सास किसकी? सुनीता की। वो कौन है? क्या क्या कहा आपने, सास मर गई? हाँ। किसकी? कोई सुनीता है। नहीं नहीं, कह दो ये झूठ है। किसने बताया आपको? रज्जो ने, वो बैठी। रज्जो? दीदी। ये क्या बोल रहे हैं? दीदी, सुनीता की सास मर गई। हे भगवान, क्यों क्यों? कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? दीदी आपको नहीं पता चला? कैसे पता चलता, कल हम सब बाहर थे ना पगली। दीदी मुझे तो लगता है अब उसका पुनर्जन्म होगा। पुनर्जन्म होगा? देखो अब मुझे भी रोना आ रहा है। कोई बता दो ये आखिर सुनीता है कौन? चिल पापा, कूल कूल। बेटी कूल होने को कह रही है? माँ मेरा अप्रैल फूल बना रही है। ये सुनीता है कौन? वही जो टीवी में आती है। हाँ, रोज शाम 7 बजे, क्योंकि सास भी कभी मॉडर्न थी। क्या? हे रब्बा, मैंनू एक गल दस दे, मैं की किता सी जो एना दोनों नू तू मेरे पल्ले पाता? पापा जाने दे बेटे, इससे पहले सुनीता की सास का पुनर्जन्म हो जाए मुझे जाने दे। पापा मैं तो इतना ही कह रही थी कि बैग तो ले जाओ। ओह थैंक यू बेटे। दीदी अब क्या होगा? कुछ नहीं, फिलहाल तू मेरे साथ काम करवा, खीर बनानी है। खीर आज कुछ खास है क्या दीदी? क्या खास है, लुधियाना वाली बुआ जी आई हुई हैं, लगी होंगी मम्मी जी के साथ अंदर इधर की उधर करने में। हाँ हाँ दीदी, ये तो मेरे भी यहाँ बहुत होता है। किट्टू इधर आ, ये ले पानी लेकर जा और उनके पास बैठना, मुझे सब कुछ बताना, ठीक है? ओके मम्मा। दीदी पर आप तो उनसे बहुत प्यार करते हो, आखिरी बार भी तो बहुत गले मिल रहे थे। करना पड़ता है रज्जो, अच्छी बहू ना बनो तो बातें बनती हैं, कि देख सुषमा की बहू तो ऐसी है। सुषमा की बहू तो वैसी है। ज्यादा नहीं बोलने लगी तू? सॉरी दीदी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। क्या करें, करना पड़ता है, पहले गले मिलो फिर हंसो फिर स्पेशली बैठो 4-5 मिनट पूरा इंटरव्यू दो। हाँ मेरी भी तो सास ऐसा ही करती है, ना जाने पीठ पीछे क्या क्या बातें करती होगी। अपनी बहू को देखा है कितना पार्टी में जाती है, यहाँ जरूर मम्मी जी को बोलने आई होंगी मेरा भी। आपको कैसे पता? पता नहीं, लगता है मुझे तो। मेरी वाली तो बातें अपने 18 मेगापिक्सल वाले कैमरे में रिकॉर्ड करके लेके जाती है, बड़ा डेटा है उसके पास। तुझे कैसे पता? तभी तो, 2-2 साल पुरानी बातें भी याद रखती है, मानो रोज बैठ के रिविजन करती हो। कभी पानी नहीं पिलाया, कभी दाल में नमक कम था, कभी शादी में मिलनी नहीं करवाई। बस बस ये सब करती है तेरी सांस? पता नहीं, लगता है ऐसा मुझे तो। अरे लाओ किट्टू बेटा, मेरे को दे दो ये ट्रे। हाँ जी, क्या रिपोर्ट है फिर? अचिंत रानी बड़ी सयानी, अचिंत रानी बड़ी सयानी। ये क्या बोल रही है? किसने सिखाया ये? बुआ जी ने। क्या? बुआ जी बोल रहे थे कि अचिंत रानी बड़ी सयानी,
इतना काम करती है और सबका ध्यान भी रखती है। अच्छा, और बुराई क्या करी? मेरी बहू तो ढंग से बात भी नहीं करती और अचित इतना प्यार से बात करती है। अच्छा, ऐसा बोला उन्होंने? अरे किट्टू बेटा, ये हाथ में क्या है? हाँ, कहाँ से लाई ये फटा सा बैग? आज हमारे स्कूल में एक्टिविटी हुई थी। एक तो बहुत सुंदर बैग था, एक ये खराब सा। सुंदर वाला तो मेरी दोस्त ले गई और मुझे ये मिला। दिखाओ। अरे इसमें तो बड़ी अच्छी ड्राइंग किट है। और दूसरे बैग में क्या था? बस एक पेंसिल बॉक्स था मम्मा। वाह दीदी, अच्छा हुआ ये बैग मिला। हमारी मैम ने सिखाया कि हम हमेशा सुंदर दिखने वाली चीजों के पास जाते हैं, पर अंदर क्या है ये जानने के बाद उनको छोड़ देते हैं। हमें हमेशा अंदर और बाहर से एक जैसा रहना चाहिए। ओके बाय मम्मा, मैं खेलने जा रही हूँ। बाय बच्चा। रज्जो, ये छोटी सी बच्ची हमें कितना कुछ सिखा गई। हाँ दीदी, हमें पता नहीं था, फिर भी हम चुगलियाँ करने लग गए। और यहाँ बुआ जी तो मेरी तारीफ कर रही हैं, जबकि मैं तो सिर्फ दिखावा कर रही थी। सच्ची दीदी, ये तो सीरियल नहीं रियल हो गया। अच्छी सी खीर बनाती हूँ अभी और उन्हें जाके बहुत सारा प्यार करती हूँ। हाँ दीदी, मैं भी जल्दी से चाय रख देती हूँ। हेलो, सुनो मैं ना बाहर से कुछ खाने के लिए लेकर आ रहा हूँ। मुझे पता है तुम्हारी और बुआ की जमती नहीं है ना, तो टेंशन मत लेना, ठीक है? नहीं नहीं, खाना तो आज मैं ही बनाऊंगी। है इतना परिवर्तन? अच्छा रखो, अब रोहन चला जाएगा वरना। अब ये रोहन कौन है? सुनीता का पति। फिर से सुनीता, हे भगवान। हर चेहरे ते मुस्कान कलोला करती रहे, तेरा संग करके साड़ी सोच सवर दी रहे। हर चेहरे ते मुस्कान कलोला करती रहे, तेरा संग करके साड़ी सोच सवर दी रहे। बसे हो जे किरदारा दी सौगात बख्श दे, बसे हो जे किरदारा दी सौगात बख्श दे। सब हस दे बस दे रहन ऐसे हालात बख्श दे, सब हस दे बस दे रहन ऐसे हालात बख्श दे, सब हस दे बस दे रहन ऐसे हालात बख्श दे। समदर्श जी। हाँ जी। हमारे जीवन में कई घटनाएं हमें सिखा जाती हैं कि अपने भीतर कैसे उतरा जाए जी, अपनी गलतियों से कैसे सीखा जाए जी। कुछ वर्ष पहले हमारे लोकेलिटी में एक शोरूम खुला था। अच्छा। और हमारी शादी की सालगिरह थी। वाव। लेकिन रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के कारण हम लेट इवनिंग उस शोरूम में पहुंचे और जैसे ही हम प्रवेश करने जा रहे थे जी, हमने ग्लास डोर से देखा कि एक स्टाफ मेंबर ने हमें आता देखकर ओपन के साइन को घुमाकर क्लोज पर कर दिया। ओह। मैंने स्टाफ मेंबर से बड़े प्यार से रिक्वेस्ट की कि प्लीज हमें आने दीजिए, अभी क्लोजिंग में 30 मिनट्स बाकी हैं और हमें जरूरी सामान लेना है। मेरे बार बार कहने के बाद भी जी, उन स्टाफ मेंबर ने मेरे हस्बैंड को शोरूम से बाहर निकल जाने के लिए बहुत गुस्से से कहा जी, और उनके इस बर्ताव से मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उन्हें कहा कि आप इसी वक्त कंप्लेन बुक लेके आइए और मुझे आपके अगेंस्ट कंप्लेन लिखनी है। आप जानते भी हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं वो कौन है? वो एक बहुत बड़े ऑफिसर है जी। और मैंने आवेश में आकर कंप्लेन बुक में उनके अगेंस्ट कंप्लेन लिख दी। इस दौरान मेरे पति मुझे समझाते रहे कि जाने दो, छोड़ दो, कुछ नहीं है। खैर हम वापस घर आ गए। रात को सोने से पहले नियमानुसार जैसे हम सब सिमरन करते हैं जी, हमने जैसे ही सिमरन किया, आई वॉज ओवरवेल्म्ड एंड आई वॉज इन टीयर्स। आई वॉज जस्ट रिकलेक्टिंग माई बिहेवियर जी, कि मैं सत्संग में सहनशीलता विशालता की बड़ी बातें सुनती भी हूँ कहती भी हूँ, क्या मेरा व्यवहार मेरे सतगुरु की शिक्षा के अनुरूप था? यदि कभी वह व्यक्ति सत्संग में आ गया
तो क्या प्रभाव, क्या संदेश लेकर जाएगा। बिल्कुल। और जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, अगले दिन वापस मैं क्षमा मांगने पहुंची, और जैसे ही मैंने उनसे क्षमा मांगी तो उन्होंने भी तुरंत उससे क्षमा मांगी और अपनी गलती का पछतावा किया। वाओ। समदर्श जी, जो मैं कहना चाहती हूँ कि आत्मनिरीक्षण या इंट्रोस्पेक्शन हमें भीतर बाहर से संतुलित करने की कुंजी है। राइट। शुक्राना सतगुरु का, जिनकी कृपा से, जिनकी शिक्षाओं से जीवन में ये एहसास बना हुआ है। बिल्कुल। हर पल शुक्राना सतगुरु का, जिन्होंने हमें ये सोच, ये विचार बख्शे, जिन्होंने हमें ये ज्ञान बख्शा, जिन्होंने हमें ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बख्शी। तो हमेशा इस और प्रयास कि प्रभु के हम एहसास में रहें, इसी से हमारा मन स्थिर होता है। जैसे वो चक्की का उदाहरण, चक्की के दो पार्ट में एक स्थिर हो और दूसरा गतिमान हो, तभी तो अनाज पिस सकता है। जी। सिमिलरली मनुष्य के जीवन में भी दो पार्ट होते हैं, एक मन और दूसरा शरीर। यदि मन स्थिर और शरीर गतिमान रहे, तभी संतुलित जीवन संभव है। समदर्श जी, ये संतुलन, ये अंदर बाहर से एक होना जी, ये सिर्फ और सिर्फ सतगुरु की कृपा से ही संभव है। बिल्कुल। और सतगुरु की कृपा तो हर पल बरस रही है जी, ब्रह्म ज्ञान की रहमत तो हर पल हमारे साथ है जी। अब तो बस इसकी संभाल आ जाए। बिल्कुल जी। और इसका इस्तेमाल ही इसकी वास्तविक संभाल है जी। सतगुरु माता जी जो समय समय पर हमें अपने वचनों द्वारा जीवन जीने का सलीका सिखाते हैं, हमें व्यवहार का तरीका सिखाते हैं, उन शब्दों को बार बार सुनकर, बार बार प्रैक्टिस करते हुए, बार बार अभ्यास अपने जीवन में लाते हुए, हम उसे अपने व्यवहार में जब लाएंगे तो ही भीतर और बाहर से नेक और एक हो पाएंगे। तो अब जाते जाते जोड़े जाते हैं अपने श्रोताओं को सतगुरु माता जी के पावन प्रवचनों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन निरंकार। एक असली सुख चैन कहाँ से आएगा, ये तो इसी स्थिर परमात्मा से आएगा। जो चीज़ संसार की खुद पल पल में बदल जाती है, उसके साथ जुड़ेंगे तो मन अस्थिर ही रहेगा, और वही मन जब एक स्थिर परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, फिर कोई भी बदल जाए चीज़ संसार की, ये मन क्योंकि स्थिर से जुड़ा है, ये मन बिल्कुल अस्थिर नहीं होता, बिल्कुल बेचैन नहीं होता। एक अपने आप को हर समय की आनंद की अवस्था फिर इस मन की बन जाती है कि दुख सुख कुछ भी हो, इस मन ने तो आनंद में जीना है। आनंद में जीवन जीने का हर कोई जो एक पोटेंशियल रखता है, बात सिर्फ इतनी कि इस आत्मा को इस परमात्मा से जोड़ना है, और वो शरीर में रहते रहते ही कार्य होगा, क्योंकि ये आत्मा शरीर के अंदर है, तो इसलिए ये जीवन में शरीर ने सेवा भी करनी है, सुमिरन भी करना है, सत्संग भी करना है, और ये करते करते हर समय इस परमात्मा से जुड़ना है, तभी ये सभी कार्य अच्छी तरह एक सही रीजंस, एक सही कारण की वजह से होंगे, कि एक सिर्फ ऊपरी ऊपरी इंसानियत नहीं, कि अभी कोई है सामने तो अपना बेस्ट बिहेवियर दिखाओ, एक अच्छे तरह से आचरण करो, और जब कोई भी नहीं तो बस मन में फिर क्रोध आ जाना, फिर मन में एक बेचैनी आ जानी, फिर मन में एक वही भाव कि कोई सामने होगा तो हम अच्छे बन के दिखा देंगे, एक किसी के लिए वो दो चार व्यक्ति हों तो मदद भी कर देंगे, तो भाव वो नहीं कि सिर्फ किसी को दिखाने के लिए सत्संग आना है, या घर परिवार के कुछ सदस्य सत्संग आते हैं तो देखा देखी हम भी चले जाएं। नहीं, ये सत्संग आने का मतलब कि अपने मन को इस रूह की जो खुराक होती है, कि जैसे शरीर में हम भोजन खा के अपना खाना
एक शक्ति लेते हैं तो ये आत्मा को शक्ति इस परमात्मा से मिलती है और सेवा सिमरन सत्संग उस आत्मा के भोजन और प्यास का वो एक साधन बनते हैं। वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, कख नहीं सिमुल